गैस घर पे पहुंच गया हूं अपने सामान को लेके। तो चलिए इसी वीडियो में अनबॉक्सिंग करूंगा और आप लोगों को मैं बताऊंगा मैं क्या लिया है और किस रीजन से लिया है। तो इसी वीडियो में अनबॉक्सिंग भी इस चीज को मैं करूंगा। तो चलिए गैस अनबॉक्सिंग करते हैं, लेट्स गो। तो फाइनली गैस आ गया है, तो अब मैं चलता हूँ अपना प्रोडक्ट को लेने, फिर मैं इसी वीडियो में अनबॉक्सिंग भी उसका करूंगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या लिया है। तो चलिए गाइस मेरा सामान आ चुका है, मैं चलता हूँ लेने के लिए। मैं अपना पौड़ी उतर रहा हूँ। तो गाइस अब चलते हैं सामान लेने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं रोड पे निकल चुका हूँ अपने मोहल्ले में, कि मेन रोड है हमारा गली से। तो मैं आ गया हूँ अपने सामान लेने के लिए। तो चलते हैं, देखता हूँ भाई कहाँ पे है। तो गाइस देखिए सामने खड़ा है, तो चलिए अपना सामान लेते हैं। फाइनली गाइस मेरा जो प्रोडक्ट है वो आ चुका है और भाई को अभी निकाल रहे हैं। चलिए कर लेते हैं। ये रहा मेरा प्रोडक्ट, अभी भाई साहब जो है स्कैन करेंगे कुछ। तो फाइनली गाइस जो यहाँ पे अपना सामान मिल चुका है, तो अब इसको लेके चलते हैं अपने घर पे, फिर अनबॉक्सिंग करूंगा घर पे। तो चलिए गाइस अब घर पे मिलते हैं सीधा। तो फाइनली गाइस घर पे पहुंच गया हूँ अपने सामान को लेके। तो चलिए इसी वीडियो में अनबॉक्सिंग करूंगा और आप लोगों को मैं बताऊंगा मैं क्या लिया है और किस रीजन से लिया है। तो इसी वीडियो में अनबॉक्सिंग भी इस चीज को मैं करूंगा। तो चलिए गाइस अनबॉक्सिंग करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस ठंड इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा यहाँ ठंड है, तो वही चीज में देखते हुए मैं ये चीज मंगाया हूँ। और मेरा जो ये मंगाने का मकसद एक ही है कि मेरा घर में एक छोटा सा असद है जिसके नाम से चैनल है, उसी को ठंड बहुत ज्यादा लगता है। जैसे वो लेटरिंग कर दिया, बाथरूम कर दिया, तो उसको धोने के लिए पानी गाइस इतना ज्यादा ठंडा होता है टंकी करके मैं ये मंगाया हूँ, ताकि अगर टंकी में ठंडा भी पानी रहे तो हमें कोई परेशानी ना हो। और इस चीज से मैं अपने पानी को गर्म करके अपने असद के यूज में काम आएगा बहुत ज्यादा। तो चलिए गाइस इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं ये सही किया हूँ कि नहीं किया हूँ। तो चलिए गाइस। और गाइस इतना पैसा है नहीं कि मैं गीजर लगा लूं, ठीक है गाइस। तो असद भी आ गए हमारे पास, तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करता हूं। तो गाइस मैंने ये चीज मंगाया है, असद को चप्पल पहनाना, इसको ठंडा नहीं लग रहा। तो फाइनली गाइस ये चीज मेरा निकल के आ चुका है, जो कि है बिट प्रो। बिट प्रो कंपनी का है, एक ये है रोड है, हीटिंग रोड, इसको हम इम्प्रेशन रोड बोलते हैं। तो चलिए गाइस तो मैं अब निकालता हूँ। तो गाइस अंदर खाली है, अंदर अब कुछ नहीं है, बस ये हमको एक हीटिंग रोड मिला है जो कि 1500 वोल्टेज का है। ये रहा 1500 वोल्टेज का है, इसमें एक वाटर प्रूफ है और शॉर्ट भी प्रूफ है। अगर मैं पानी इसको लगा देता हूँ बाल्टी में तो मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ, हाथ लगा सकता हूँ अपने पानी में और हमको करंट भी नहीं लगेगा। और ये वाटरप्रूफ भी है, मतलब कि अगर ये पूरा पानी में भी चला जाए तो करंट आने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। तो गैस ये तो है, वैसे क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है, बाकी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूज किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार चलिए देख लेते हैं। और इसके अंदर में एक और चीज मिला है मेरे को, जो कि ये वारंटी कार्ड है, 2 साल की वारंटी है इसमें, ठीक है गाइस 2 साल की वारंटी के साथ में है। तो चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखता हूँ कि कितने देर में पानी गर्म हो रहा है और कितना यूनिट ये ले रहा है। ये सब इसका पूरा रिजल्ट अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए गाइस इसको मैं अब थोड़ा चालू करता हूँ। तो चलिए गाइस इसको मैं पानी में डालता हूँ और देखता हूँ कि गर्म कितने देर में करता है ये।
बोर्ड में लगा दिया इसको मैं। तो गैस मशीन चालू हो चुका है, अब देखता हूँ कितने देर में पानी गर्म हो रहा है। कैसे पता लगेगा मशीन चालू है? तो इसमें कुछ नोटिफिकेशन है ही नहीं इसमें, तो फिर पता कैसे लगेगा? हो रहा, खोल रहा है, देखो धुआं दे रहा है ना। धुआं दे रहा है। बाल्टी बुरक ना जाए? नहीं बुरक गया, प्लास्टिक की बाल्टी में तो पड़ा ले, कैसे बुरक? तो गैस देखिए यहाँ पे आपको हल्का हल्का नजर आ रहा होगा, धुआं देना चालू हो चुका है ये। देखिए गैस, अबे बदबू कर रहा है यार। कहाँ बदबू करे? तो गैस यहाँ पे धुआं देना चालू हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। देखते हैं गाइस कितने देर में ये हो जा रहा है। वैसे तो चालू तो हो गया है रोड। अब ये तो बता तो रखा कि इसमें वाटरप्रूफ है और शॉर्ट प्रूफ भी है, मतलब कि पानी में भी हाथ डाल दूंगा तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं। अपना सावधानी बरतते हुए मैं इसको अपना पानी गर्म करूंगा, हाथ नहीं डालूंगा उसमें न। सबसे ये भी सलाह दूंगा कि इसमें कोई हाथ ना डाले। असद जो है पूरा हाथ डालने के लिए बेचैन हो चुका है, उसमें बहुत पगला बन गया। देखो देखो ये हाथ डालने के लिए बिल्कुल है, तो इसको मैं बोलूंगा कि सावधानी बरते और इसमें अपना ध्यान से पानी गर्म करे। बरकेगा नहीं ना बाल्टी यार? नहीं बरकेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है बरक रहा, जैसे ये सनसना रहा। हाँ पानी देना लगा, ये पाइप में से सनसना है। देखो वो पाइप से पानी गर्म हो रहा है ना, तो उस पे सनसन सनसना आ रहा है। इसको और अंदर डालता हूँ क्या? हाँ देखो वो पसंद से नहीं, पानी गर्म हो गया बने हल्का हल्का। यार उसमें डुबाओ मत, फंसाने को दिया तो फिर डुबाना क्या? गाइस ये सनसना रहा था बहुत ज्यादा, मैंने पूरा अंदर डाल दिया उसको। देखो पानी में यार प्लास्टिक में जान दो, देखना गर्म हुआ कि नहीं। रुक जा पहले बंद कर लेने दे। गरम हुआ कि नहीं? है? गरम हल्का हल्का भी गरम हुआ, बहुत हल्का। पकड़ना जरा मैं देखू, उधर साइड में रख, नहीं तो कहीं अर्थी ना जाए तो बस। गैस गरम हो गया यार बहुत जल्दी, ये तो 3 मिनट की वीडियो में अभी कर रहा हूँ, 3 मिनट के अंदर में गरम कर दिया। नहीं तो गैस ओके रिपोर्ट है, डाल दे। असद भी चेक कर रहा, देखो चेक कर रहा कि पानी गर्म है कि नहीं। ओ गर्म है, चलो डाल दो अंदर, छोड़ दे पूरा, छोड़ दे। नहीं ऐसे ही रहने दो, नहीं नहीं जलेगा यार, देखो इतना देर वहां पर कहां से जल जाए। तो चलिए गाइस चालू होगी नहीं? चालू ही होगा, चालू है गाइस। तो गाइस यहाँ पे आप डब्बे के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो कट सेंसर वाटरप्रूफ। तो है चीज ये ऑटोमेटिक कट तो नहीं है, इसमें ऑटो कट वाली सिस्टम जो है जैसे कि डिब्बे में आपको दिखा रहा हूँ, जो ब्लैक सा जो रॉड एक और निकला है प्लास्टिक का, तो वो चीज इसमें नहीं है। तो मैं ऑटो कट वाले नहीं मंगाया था, ऑटो कट वाला थोड़ा बहुत ज्यादा महंगा था जो कि मेरे बजट के बाहर था, तो इसलिए मैं ये मंगाया हूँ। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, हाँ मैं ये वाला मंगाया हूँ, ये वाला बिना इसमें ऑटो कट है, सिर्फ ये वाटर प्रूफ है और शॉर्ट प्रूफ भी है, मतलब कि हाथ भी डाल दूंगा तो अंदर में ये मेरे को कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लूंगा गाइस, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है मेरे असद के लिए, है ना बेटा, है ना। असद को अभी पढ़ाना है, लिखाना है, उसको पायलट बनाना है। तो गाइस देखिए पानी में कैसे ज्यादा कैसे धुआं निकल रहा है, आप लोग देख सकते हो।
तो चलिए गाइस, ये 5 मिनट के अंदर में यानी कि बढ़िया सा हीटिंग कर दिया है, मतलब कि समझो कि आधा यूनिट भी नहीं लिया है, मतलब मेरे हिसाब से 1-2 रुपए का बिल आया होगा और पानी पूरा गर्म हो चुका है। तो मेरे तरफ से इस प्रोडक्ट को 10 में से 10 ही दूंगा, ठीक है गाइस।